दिस इज रानी सिंह, वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आप स्टूडेंट हो चाहे आप एक वर्किंग फेलो हो, और आप अपने जो स्किल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के उनको ब्रशअप करना चाहते हैं, और मेरी वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आ रही है, कंटेंट बेस्ड है जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो गाइज मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट टुडे सेशन। आज का हमारा सेशन है यंग लर्नर्स के लिए, राइट? सो आवर टॉपिक इज द सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस होता क्या है? द वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का समूह जो एक एक कंप्लीट सेंस देता है वो एक सेंटेंस होता है, और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में होने चाहिए। जो हमने इससे पहले वाली वीडियो टेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था एग्जैक्टली बेस्ड ऑन दिस, राइट? सो अब सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, वी नेम द पर्सन और थिंग टू होम वी टॉक अबाउट। हम नेम करते हैं पर्सन या थिंग को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज, वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, फिर उस पर्सन के बारे में हम कुछ बताते हैं, राइट? सो बेसिकली घूम फिर के एक बात आई कि अ सेंटेंस के दो चीजें हो गई, एक तो सब्जेक्ट टू होम वी आर टॉकिंग अबाउट, और एक प्रेडिकेट जो कि सब्जेक्ट के बारे में हमको बताता है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या हुई? लाइक कंक्लूड करते हैं, अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट, वी से द नेम ऑफ पर्सन और थिंग टू होम वी आर टॉकिंग अबाउट, वो पर्सन या थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। और इजी इसको समझ लेते हैं कि लाइक सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें आंसर देता हु और व्हाट, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, क्या और किसके बारे में वो सेंटेंस है, वो पार्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके, नाउ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो हो गया हमारा प्रेडिकेट, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल वी कैन सी, नेचर इज द बेस्ट थेरेपी। नेचर हमें आंसर दे रहा है व्हाट और हु का, राइट? सो नेचर हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज द बेस्ट थेरेपी, ये जो पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स इंक्लूडिंग वर्ब विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वर्ब और बाकी के सारे वर्ड्स जो हमें सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं वो प्रेडिकेट हो गया। सो इज द बेस्ट थेरेपी इज प्रेडिकेट। ओके, अब गाइज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यूजुअली सब्जेक्ट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड सो कम्स आफ्टर दैट कम्स प्रेडिकेट, बट ओकेशनली प्रेडिकेट माइट कम फर्स्ट। सी द एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस। अब हियर कम्स प्रेडिकेट है, द बस सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बाद में भी आ गया, तो ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा बिगिनिंग में ही आए, कभी कभी क्या होता है कि वो ओकेशनली बाद में भी आ जाता है। एक और सेंटेंस हम स्टडी करते हैं, आर इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट व्हेन द स्टॉर्म कम्स। अब आर इलेक्ट्रिसिटी इज सब्जेक्ट, व्हेन द स्टॉर्म कम्स, आर इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट, वेंट आउट व्हेन द स्टॉर्म कम्स क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें जो वर्ड है स्टॉर्म कम्स, ये क्या है? एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज है,
अगर हम सेंटेंस इससे बिगिन करते राइट तो क्या होता, देखिए when the storm comes our electricity went out. अब ये when the storm comes क्या है, adverb prepositional phrase है और predicate का part है, लेकिन sentence यहां से begin हो रहा है. तो when the storm comes और light went, electricity went out, ये सब predicate है और our electricity क्या है, इसमें subject है, पहले हमने अभी read किया. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रेडिकेट पहले आ जाता है. इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट लाइक सेंटेंस में क्या है जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट को हमें फाउंड आउट करना है, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, और फिर उनके बारे में क्या बात हो रही है, वर्ब और बाकी के सारे वर्ड्स वो हो जाएंगे हमारे प्रेडिकेट, राइट. सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम जानते हैं शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं, उनमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है. फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन, इट मीन्स यू सिट डाउन, राइट. यू इसमें अंडरस्टूड है और मेंशन नहीं है तो हमें ध्यान देना है. थैंक्ड हिम, अगेन सेम, थैंक्ड हिम मीन्स यू थैंक्ड हिम, राइट. हम सजेस्ट करेंगे उसको थैंक यू करो, तो यहां पर भी यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है और हिडन है यहाँ पे. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इस टाइप के जो सेंटेंस होता है वहां आपको एज्यूम करना है और अंडरस्टूड करना है उसको, राइट. थर्ड चीज है अबाउट दिस, तो ये चीज होगी थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है. कुछ ऐसी ग्रामर लैंग्वेज बुक्स में, लैंग्वेज बुक्स में और कई जगह ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, फाइंड आउट द सिंपल सब्जेक्ट एंड सिंपल प्रेडिकेट, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए. और कई बार आ जाता है फाइंड आउट कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंप्लीट प्रेडिकेट्स. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं व्हाट इज कंप्लीट सब्जेक्ट एंड व्हाट इज सिंपल सब्जेक्ट. सिंपल सब्जेक्ट क्या है, पर्सन का नेम. फॉर एग्जाम्पल मदर कुक्स द फूड, मदर इज सब्जेक्ट केवल नाम है और कुक्स द फूड प्रेडिकेट, राइट. और कंप्लीट सब्जेक्ट क्या हो गया, नेम ऑफ द पर्सन इंक्लूडिंग ऑल द वर्ड्स विच टेल्स अबाउट हिम, जो नाउन के बारे में जो हमको बता रहे हैं, उस पर्सन के बारे में जो हमको बता रहे हैं वो सारे वर्ड्स भी इंक्लूडिंग हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, अब सिंपल सब्जेक्ट आप लोगों को तो बर्ड्स हो जाएगा और कैन फ्लाई वाला आपका जो है वो हो जाएगा प्रेडिकेट, लेकिन कंप्लीट सब्जेक्ट जब पूछ रहे हैं तो मोस्ट बर्ड्स आपका हो जाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट और कैन फ्लाई पूरा हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट, राइट. माइनर सा डिफरेंस है, सिंपल सब्जेक्ट में केवल नेम ऑफ द नाउन, कंप्लीट सब्जेक्ट में वो डिस्क्राइबिंग वर्ड भी, जैसे मोस्ट बर्ड्स आ गया, माय मदर, राइट गाइस. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी रिगार्डिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्टिल आपको कोई डाउट रहता है, क्योंकि ये सेशन जो था हमारा स्पेशली यंग लर्नर्स के लिए था, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सॉर्ट आउट योर क्वेरीज. टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.